हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और मेरा नाम है जेपी चौहान और हम सब मिलकर कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त काम। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, वहां पर मैंने बहुत अपने जमीन पे खड़े होकर प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आज सेकंड पार्ट के अंदर अपन थोड़ी छत पे जाने वाले हैं, आज अपन पैराशूट में बैठने वाले हैं, आज अपन जगलिंग करेंगे, आज अपन ड्रॉप वाली प्रॉब्लम करेंगे, है ना। नल से ड्रॉप बूंदे ड्रॉप होती है तो किस तरीके से, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स अपन करेंगे, सारी समस्याओं का समाधान होगा आज शानदार तरीके से। जल्दी से हेडिंग डाल दो आप, टावर प्रॉब्लम्स। हेडिंग डाले आप टावर प्रॉब्लम्स। क्या है टावर प्रॉब्लम्स, देखो इसके तीन केस बताऊंगा मैं आपको, स्टैंडर्ड रिजल्ट दूंगा मैं आपको। पहले बता देता हूँ क्या है, उसके बाद डायरेक्ट प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। देख टावर प्रॉब्लम क्या है, सपोज मैंने क्या किया, ये एच हाइट है, एच हाइट का एक टावर है, छत है जो भी है, वहां से मैंने क्या करा, एक इनिशियल यू स्पीड से मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका। ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, वापस नीचे लौट के आएगा। ऑब्जेक्ट वापस, ये ग्राउंड लेवल हो गया मेरे पास, वापस नीचे लौट के आएगा। अब यहां पर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ऑब्जेक्ट को फेंका वापस ग्राउंड पे आया तो कितना टाइम लगा। तो एक चीज पूछते हैं इसमें क्या, कि टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड उसको मैं बोल रहा हूँ क्या, ये वाला टाइम कौन सा है, इसको बोल दिया मैंने टी, मतलब ये टी आपको डेराइव करना है। और दूसरी चीज़ है मेरे पास क्या, कितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। एक हमेशा गलत फहमी होती है, मिसकंसेप्शन होता है, आप जब ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है उस स्पीड को आप जीरो ले लेते हो, वो कभी नहीं लेना। नोट बना के लिख लेना, स्पीड वाइल स्ट्राइकिंग द ग्राउंड नेवर जीरो, वो जीरो नहीं होती है, ठीक है। तो वो अपने को फाइंड आउट करनी है, ये क्या है स्पीड Just before striking ground, ठीक है। और ये भी अपने को मालूम करनी है, और ये स्पीड कभी भी जीरो नहीं होती है जब तक कि क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो। ये होप ये आपको चीज क्लियर है, ठीक है। ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव ले रहा हूं। इक्वेशंस ऑफ मोशन और उसके बाद में मोशन अंडर ग्रेविटी का फर्स्ट पार्ट देख लेना तो आज का पार्ट समझ में आएगा। पहले कहते तो नहीं तो मत देखना, पहले वो देख के आओ। चलो आई बटन के अंदर सब मिल जाएगा आपको, ऑल राइट। चलो इसको करने का तरीका क्या है, टावर वाले क्वेश्चन में हमेशा सेकंड इक्वेशन से होता है हमेशा, टावर वाली प्रॉब्लम सेकंड इक्वेशन से होता है। एस इक्वल्स टू यू टी, इसमें जो वेरिएबल एज्यूम करने होंगे तो एज्यूम कर लेना आप, s equals to ut plus half a t square s। देखो displacement क्या है, ये initial position हो गई, this is initial position and this is final position, initial से final, displacement का direction क्या है, downward है, downward है मतलब क्या हो गया, है ना, ऊपर से finally, initial से final की तरफ एक क्या करोगे, एक arrow draw करोगे तो downward direction आएगी मेरे पास, तो downward direction क्या है, negative, तो displacement देखो कितना हो गया, minus h, है ना, h तो displacement है, ये एक ही line में आ रहा है, object गया नीचे लौट के आया, ut U मेरे पास पॉजिटिव है, T प्लस 1/2 एक्सेलरेशन क्या हो गया, माइनस G, क्योंकि G डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, देख क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको उधर ले लो आप, या एक काम करो सबसे पहले देखो माइनस 2H इक्वल्स टू, यहाँ से स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल के दूंगा, याद कर लेना, रट लेना उसको आप, मजा आ जाएगा जीवन के अंदर। देख क्या आ जाएगा मेरे पास, जी टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस 2H इक्वल्स टू जीरो। भाई समझ में आया क्या भाई, इसको उधर ले लिया है, एक्सचेंज कर लिया साइन, जी टी और ये माइनस यू टी और 2H, बस यहां से क्या करो आप, धराचार्य रूल लगाओ आप, माइनस बी, हाँ कुछ गड़बड़ कर दिया है, 2UT 2, है ना, दो लिया 2H हो गया, इधर से 2 इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, भाई गड़बड़ हो जाता है भाई, सब मामला गड़बड़ हो जाता है। तो माइनस बी अंडर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 2U का होल स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, जी है, सी कितना है, 2H है। ओ भाई क्लियर, हा प्रभु नीले गगन के तली, भाई साहब ये माइनस 2H होगा, क्या कर रहा है भाई बिडू, क्या कर रहा है तू, अरे भाई ये दोनों उधर, ये तो उधर ही था ना माइनस 2H, तो ये आएगा तेरा माइनस का 2H, हाँ ऑल राइट। चल अब देखिए सर, अपॉन 2A कितना है, जी, बहुत बढ़िया। देख टी इक्वल्स टू कितना हो गया, 2U प्लस माइनस, देख 4 कॉमन आके 2 हो जाएगा बाहर, अंदर कितना बचेगा देख, यू स्क्वायर प्लस 2GH अपॉन जी, 2 से 2 कैंसिल, तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया, टी इक्वल्स टू क्या आ गया, यू प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस
2gh अपॉन g। यहाँ पर दो वैल्यू आएगी, देखो सुनना, जब मैं नेगेटिव साइन लूंगा, देखो ये वाली वैल्यू इससे u से तो बड़ी होगी, सोचो अगर 2gh नहीं होता तो u स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता, u होता, लेकिन u स्क्वायर में कुछ और ऐड हो गया, मतलब इसका ओवरऑल स्क्वायर रूट u से तो ज्यादा आएगा, और ये वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो नेगेटिव साइन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव साइन जैसे ही अगर मैं लूंगा तो छोटी पॉजिटिव और बड़ी नेगेटिव वैल्यू, तो ओवरऑल नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा, तो टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो फाइनल टाइम, तो टाइम फाइनली मेरे पास टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो टी विल कम आउट टू बी व्हाट, टी इक्वल्स टू यू प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन जी। ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, हालांकि सेकंड इक्वेशन से किया, लेकिन बहुत बार इससे मैं और भी बहुत सारे रिजल्ट आपको डिराइव करके दूंगा, मजा आ जाएगा। देखो ये हो गया टाइम, अब मुझे स्पीड निकालनी है, मुझे स्पीड निकालनी है, स्पीड थर्ड इक्वेशन से निकालो। थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है, देख, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये दोनों तो स्क्वायर है तो नेगेटिव पॉजिटिव का वो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a क्या है, माइनस g, डिस्प्लेसमेंट क्या था देख, माइनस एच, तो देख फाइनली v इक्वल्स टू क्या आ गया, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये आ गया मेरा दोनों फॉर्मूले। देखो मतलब यहाँ पर समझने की कोशिश करना है, यहाँ पर u लिखा है, यहाँ पर g लिखा है, तो यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो स्पीड होगी, यहाँ पर जो भी लिखा होगा स्पीड होगी, तो यहाँ से सीधा याद रख लो आप कि t इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस v अपॉन g। अरे भाई समझ में आया क्या, और v की वैल्यू ये रही, ये v की वैल्यू होगी, अरे क्लियर समझ में आ रहा है, देख इसको लिख, उसके बाद एक और रिजल्ट बताता हूँ मैं, दो रिजल्ट और बताता हूँ आपको मस्त मस्त बढ़िया बढ़िया से, यहीं से डिराइव करूँगा इसी से, लिख लो इसको। चल देख अगर मैं क्या करूँ, ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक दो यू से, देखिए वो केस नंबर वन लिख देना इसको, अभी जो लिखा केस नंबर वन, केस नंबर टू ऑब्जेक्ट को क्या करूँ, अगर मैं सपोज ये मेरे पास वही एच हाइट है ना, और यहाँ से ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से अगर मैं नीचे फेंक दूँ, यू स्पीड से नीचे फेंक दूं, तब कितनी स्पीड से टकराएगा, और यहां से यहां तक आने में वही टाइम, टाइम कितना लगेगा, वो दोनों निकालने हैं, सिंपल। अब देखो यहां पर सिंपल कुछ नहीं करना है, इस पहले वाली प्रॉब्लम और इसको कनेक्ट करो, पहले वाली प्रॉब्लम में मैंने यू ऊपर फेंका था, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका था, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका था, अब मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहा हूं, तो पहले वाले में साइन कन्वेंशन में प्लस यू था, अब वाले में क्या आ जाएगा, माइनस यू आ जाएगा, सब जगह माइनस यू चलेगा, समझ में आ रहा है, तो साइन सारे उल्टे हो जाएंगे, साइन सारे अगर ये प्लस यू है तो माइनस क्यू, अंदर तो स्क्वायर, यू का तो स्क्वायर है, यू का तो स्क्वायर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर जो यू है वो प्लस यू की जगह क्या हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएगा, तो फाइनल टाइम का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो आप, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यू की जगह माइनस यू, और यू तो स्क्वायर है अंदर, तो यू की जगह क्या हो गया, माइनस यू प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन जी। ये हो गया मेरे पास टाइम का फॉर्मूला सीधा, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन जी, ये हो गया, और यहां से स्पीड का फॉर्मूला तो सेम आएगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, v को क्या रखना है, v में u की जगह माइनस यू तो करना है, तो u का तो स्क्वायर है ऑलरेडी, तो v का फॉर्मूला विल रिमेन सेम, u स्क्वायर प्लस 2gh, ये ले हो गया काम, ये केस नंबर टू हो गया खत्म। अरे भाई क्लियर, देख इसके बाद केस थर्ड देख, तीनों केस देख एक साथ बता रहा हूं मैं, थर्ड केस क्या है, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप भी तो कर सकते हो एच हाइट से, प्रोवाइडेड इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना आप, टाइम और वेलोसिटी निकालना तभी यूज करना, अगर आपको हाइट पूछ ले, समझना कोशिश, अगर मेरे को हाइट पूछ ले, हाइट अननोन हो गया तो अननोन जो होगा स्क्वायर रूट में फंस जाएगा, तो कैलकुलेशन बहुत भारी हो जाएगी, इसलिए दिमाग में रखना हमेशा सेकंड इक्वेशन से होता है, लेकिन टाइम निकालना हो तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, तो बेटर है इसमें वैल्यू पुट करो सीधा आंसर निकाल लो। देख थर्ड केस क्या है, थर्ड केस क्या बोलता हूं मैं कि भाई मेरे पास वही एच हाइट है, एच हाइट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कई बार आपको देखने को मिलेगा ये, इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एच हाइट से ऑब्जेक्ट को मैंने क्या करा, ड्रॉप करा है, ड्रॉप ऑब्लिक रिलीज, जब भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो या रिलीज करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, तो बस वापस आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है और कितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट टकराएगा वो स्पीड भी मालूम करनी है, दोनों केस देखो सेम है, बस यहां पर यू की वैल्यू, इस वाले केस में यू की वैल्यू जीरो पुट कर दो, यू की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो देख क्या बन जाएगा फॉर्मूला, तो टाइम का फॉर्मूला तो बन जाएगा, यू हो गया जीरो
प्लस अंडर रूट जीरो प्लस टू जी एच अपॉन जी, ठीक है, इस जी को अंदर डाल दो तो नीचे जी स्क्वायर, ये अंदर जाके जी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टी इक्वल्स टू रूट टू एच अपॉन जी, क्या आ गया। और यहां से और एक और आप लिख सकते हो यहां पर क्या कि एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, एक ही बात है, दोनों स्क्वायर कर लो ना, जी टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर, ये दोनों सेम है, दोनों ये या तो याद रख लो या याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। और वैसे भी पता है आपको यहां से यहां तक आने में ut plus half at square सेकंड इक्वेशन लगाओगे आप तो ये आएगा आपका, समझ में आ रहा है, देख आ गया वापस। और मुझे स्पीड निकालनी है तो एक स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, u को जीरो पुट कर दो, थर्ड इक्वेशन देख v square equals to u square plus 2s root 2gh आ जाएगा सीधा, यहां पर पुट कर u तो v equals to क्या हो गया root 2gh, ये हो गया v, तीनों केस याद रख लेना। फर्स्ट केस में क्या है, प्लस यू है, प्लस यू प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस टू जी एच अपॉन जी, सेकंड केस में माइनस यू आ जाएगा, थर्ड केस में यू जीरो कर दो, तो तीनों केसेस आपके पास एकदम अच्छे से चकाचक आपको दिमाग में होने चाहिए, राइट। चल जल्दी से इस पे क्वेश्चन करता हूं, हमें क्वेश्चन कराते हैं अपन, धमाकेदार क्वेश्चन करते हैं अपन अभी। देख क्वेश्चन क्या है बबुआ, है ना, बस ये वाला फॉर्मल याद कर ले अपन, इससे काम हो जाएगा आपका, बस दो ही फॉर्मल याद करने हैं। देख क्वेश्चन देख क्या है, मैं आपको बोलता हूं, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको कितना ले एक काम कर, 20 से मैं बोलता हूं 100 मीटर से, 100 मीटर हाइट से मैं एक ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूं, ठीक है, आपको मालूम करना है फाइंड टाइम टू रीच ग्राउंड। जो लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल में आए हैं वो इससे पहले थ्योरी देख ले तो बहुत अच्छा है, टाइम टू रीच ग्राउंड एक तो ये मालूम करना है, और स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग ग्राउंड, स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग ग्राउंड। देखो दो चीज आपको मालूम करनी है ना, डायरेक्ट फॉर्मुला मैंने क्या डेराइव करवाया, सीधा टाइम यहां से निकालो, स्पीड यहां से निकालो, है ना, यहां पर जो लिखा होता है वो स्पीड होती है, तो देख सिंपल टाइम, टाइम का फॉर्मुला क्या हो गया, लगाओ उस फॉर्मुला में वैल्यू रख रहा हूं मैं, उस फॉर्मुला में वैल्यू रख रहा हूं, यू कितना है 20 प्लस अंडर रूट 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 जी एच हाइट कितनी है, यहां पर साइन कन्वेंशन मत लगा देना, इस फॉर्मुला में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी विदाउट एनी साइन कन्वेंशन, क्योंकि जब डेराइव करा था वो अपन ने साइन कन्वेंशन ले लिया था। और अगर आप ये नहीं लगाना चाहते हो तो सेकंड इक्वेशन लगाओ सिंपल, पर सेकंड इक्वेशन इसलिए गड़बड़ कर सकते हो, वहां पर आप साइन कन्वेंशन को लेके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे तो वहां पर क्या होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी आपकी, वहां पर क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, तो इसलिए अपने को क्या करना है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय जी, तो देख टी इक्वल्स टू कितना आ गया 20 प्लस अंडर रूट कितना हो गया, ये कितना है रे भाई, कितना है ये 2000 है क्या, 2000 और 400 2400 हो गया, तो देख ये तो स्पीड हो गई बस वो कर लो यहां से, तो देख क्या हो गया था 2 प्लस 100 बार आएगा तो 10 हो जाएगा, और रूट 24 डिवाइडेड बाय 10, तो यहां से मेरे पास ये तो हो जाएगी स्पीड, यहां से पहले लिख लो काट के मत लिख लेना, पता पड़ा नीचे से 10 से 10 काट दिया, रूट चॉइस स्पीड लिख दी, यहां लिखो तो स्पीड तो हो जाएगी v इक्वल्स टू रूट 2400 मीटर पर सेकेंड, ये तो हो गई मेरे पास स्पीड, इसका स्क्वायर ले लो आप कितना हो जाएगा 100 बार, ये हो जाएगा 10 रूट 24 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होगी, और टाइम कितना आ जाएगा 0 0 0, ये टाइम हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस रूट 24 सेकेंड्स, ये मेरे पास क्या आ गया टाइम आ गया, जल्दी से लिख लो उसको आप, फिर अगला प्रश्न करते हैं अपन, लिख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लें अपन, देखो बढ़िया 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 सवाल करते हैं अपन, देख मैं बोलता हूँ एक ऑब्जेक्ट है उसको मैं क्या करता हूँ ड्रॉप करता हूँ कितनी हाइट से, और ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 500 मीटर हाइट, आप लैंग्वेज में चाहे तो लिख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 500 मीटर हाइट, ठीक है, यहां से ये ग्राउंड लेवल हो गया मेरे पास, यहां से ग्राउंड लेवल हो गया कि यहां से एक कार है, ठीक है,
कि कितनी स्पीड से ये कार जो कि कितने पर है 100 मीटर डिस्टेंस पर है, मतलब ये यहां से 100 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे यहां से ये 100 मीटर डिस्टेंस पर है, कि विद व्हाट स्पीड, विद व्हाट स्पीड कार शुड मूव सो दैट इट कैचेस द ऑब्जेक्ट, इट जस्ट कैचेस द ऑब्जेक्ट, है ना, पोस्ट करके ट्राई करना, देख एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है सोचना। अब अगर ये कितनी स्पीड से है, देखो स्पीड निकालने के लिए फंडा क्या है, इसको यहां तक आना पड़ेगा, मतलब ये चालू हुआ और ये ड्रॉप हुआ, मतलब साइमल्टेनियसली, अगर इसमें नहीं लिखा हुआ मतलब वो साइमल्टेनियस प्रोसेस ही है, मतलब वो जस्ट गिरा और उसने चालू किया, क्योंकि जैसे गिरेगा तभी तो वो आदमी एकदम चालू होगा फट से उसी समय। तो कितनी स्पीड से, अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो स्पीड के लिए मुझे, मेरे को क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है भाई, 100 मीटर और टाइम, मतलब यहां से यहां तक आने में आपको टाइम मालूम चल जाए तो स्पीड आ जाएगी। अब यहां से यहां तक का टाइम कितना होना चाहिए कि जस्ट कैच करें, ये उतना ही होना चाहिए जितना इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक आने में टाइम लगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट को अगर यहां से यहां तक आने में टाइम टी लगा तो इस कार को भी यहां से यहां तक आने में टाइम टी लगना चाहिए, तभी वो उसको जस्ट कैच करेगा। तो उस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक आने में टाइम का फॉर्मूला अभी अपने लिखा, अभी मैंने लिखवाया था, है ना, ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉप कर रहे हो तो यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2GH/G, अभी डायरेक्ट मैंने याद करवाया था, ये होता है √2H/G, बाकी इस फॉर्मूला से लिख सकते हो आप, ये कितना √2H/G, कितना हो जाएगा, देख मेरे पास, तो टाइम हो जाएगा अंडर रूट 2H, कितना हो गया 500/10, तो ये हो जाएगा मेरे पास 50 × 10 सेकेंड, ये हो गया टाइम। इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं कितने टाइम में भाई, कितने टाइम के अंदर ये कार जो होगी वो उसको कैच कर लेगी, है ना, सैमिले, तो ऐसे भी पूछ सकता है, तो 10 सेकंड हो गया, तो बस यहां से स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, तो स्पीड, तो कितनी स्पीड से चलना चाहिए भाई, स्पीड इक्वल्स टू क्या हो गया, डिस्टेंस तो हो गई 100 और डिवाइड बाय टाइम कितना हो गया 10, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर/सेकंड से क्या करना चाहिए, इसको स्ट्राइक करना चाहिए, चलना चाहिए, समझ में आ गया, जल्दी से लिखो इसको। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन जल्दी से, अगला प्रश्न, अगला पड़ाव, चल देखो, हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या करूं थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कर सकते हो, क्या करें एक, हाँ चलो देख क्या हो गया, एक क्वेश्चन क्या है करो, इसमें अ बॉडी ड्रॉप्ड कवर्स कितना करेगा, कवर्स 80 मीटर इन द लास्ट 2 सेकेंड, देन लास्ट 2 सेकेंड बिफोर रीचिंग द ग्राउंड फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जहां से उसको ड्रॉप किया है, फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग जहां से आपने उसको ड्रॉप किया है, बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी जहां से आपने उसको ड्रॉप किया है भाई, सिंपल क्वेश्चन देख यहां पर, क्वेश्चन समझो पहले, यहां पर आप कितना है, अ बॉडी ड्रॉप्ड कवर्स 80 मीटर इन द लास्ट 2 सेकेंड्स, देख ये मैं बिल्डिंग ले लेता हूं जिसकी हाइट मुझे मालूम करनी है, वेरिएबल, अपन हमेशा फिजिक्स में डरते हैं वेरिएबल एज्यूम करने से, सिंपल सा फंडा है, मैथमेटिक्स यही बोलती है, जितने
वेरिएबल एज्यूम करोगे उतनी इक्वेशन बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वेरिएबल एज्यूम करने से कभी ना डरे आप, राइट। चल, एच कितनी हाइट से, क्या बोला, बॉडी ड्रॉप्ड कवर्स 80 मीटर इन द लास्ट 2 सेकंड, 80 मीटर इन द लास्ट 2 सेकंड। सपोज ये लास्ट के 2 सेकंड है, इसमें कितना 80 मीटर चला, ठीक है, यहाँ लास्ट में जो भी है 80 मीटर, और कितने सेकंड में, कहाँ है टाइम, कहाँ गया, लास्ट 2 सेकंड, और यहाँ पर टाइम कितना है 2 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस 80 हो जाएगा। और ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया है, इसका मतलब इनिशियल स्पीड क्या हो गई, जीरो। इनिशियल स्पीड क्या हो गई, जीरो। अब क्या करें भाई, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख जो जो दिख रहा है करते जाओ भाई, सिंपल एक वेरिएबल है। अब आपको यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन लगा सकते हो आप, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन देख क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की सेकेंड इक्वेशन लगाता हूँ, देख क्या होगा, है ना, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू ऊपर से नीचे आ रहे हो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नीचे वाला डायरेक्शन मेरे पास क्या है, नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, माइनस एच इक्वल्स टू यू तो जीरो है और ए क्या होगा, माइनस जी, तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, जी बाई टू मतलब फाइव टी स्क्वायर, एक इक्वेशन ये हो गई। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम टी है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा, यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा, टी माइनस टू। इस पर कॉन्सेंट्रेट मत करो, हमेशा अपन कन्फ्यूज क्या होते, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करने लग जाते हैं, अरे दो वेरिएबल दिए हुए हैं, अरे कुछ तो कर लूँ मैं, अरे कुछ तो कर लो, बेटर है सेकंड इक्वेशन लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, आंसर पाओ, खत्म कहानी। अब एक दो वेरिएबल आ गए हैं एच और टी, तो एक एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर बनाओ, देख यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, वापस थर्ड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन लगाओ, डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर से नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस एच माइनस ए टी इक्वल्स टू, और वैसे भी सिंपल अगर समझ में आया हो तो एच इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर आया था यहाँ पर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, तो यू टी, यू टी तो जीरो हो गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये देखो क्या हो गया मेरे पास, तो एच माइनस ए टी इक्वल्स टू फाइव टी स्क्वायर, फाइव टी स्क्वायर की एच माइनस ए टी इक्वल्स टू कितना आ गया, फाइव टी स्क्वायर, सॉरी टी नहीं है यहाँ पर, टी माइनस टू है ना, वही कह रहा हूँ, मैंने कहाँ गड़बड़ कर दी भाई, टी माइनस टू का होल स्क्वायर, अभी घपला हो जाता भाई साहब, टी माइनस टू का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर टू हो गई। एक काम करो, एच को यहाँ पर पटको, एच बराबर फाइव टी स्क्वायर को यहाँ पर देख कितना आ जाएगा, एच बराबर फाइव टी स्क्वायर माइनस ए टी इक्वल्स टू, या तो आप क्या करो टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करो एच बाय फाइव, रादर देन सिंपल क्या है, एच की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, क्या आ जाएगा मेरे पास, फटाफट आंसर आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास टी आ गया तो वैसे भी एच निकाल सकता हूँ ना मैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, फाइव ये क्या हो गया मेरे पास टी स्क्वायर, है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर टी हो गया, क्या सही है, टू टू जा फोर इंटू टी, तो देख फाइनली मेरे पास क्या आ गया, फाइव टी स्क्वायर। यहाँ पर क्या क्वाड्रेटिक का डर लगता है, लेकिन क्वाड्रेटिक बनती नहीं एक्चुअल में, समझ में आया, देख क्यों नहीं बनी, हेलो फाइव फाइव फोर जा ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी टी, फाइव टी स्क्वायर से फाइव टी स्क्वायर कैंसिल, भाई मजा आ गया, तो देख ट्वेंटी टी, ट्वेंटी टी इक्वल्स टू कितना हो गया, सो तो टी की वैल्यू हो गई पाँच सेकंड, टी की वैल्यू पाँच सेकंड डाल यहाँ पर एच, भाई कैलकुलेशन देख लेना भाई यार, कैलकुलेशन देख लेना भाई, कैलकुलेशन में कुछ भी लगे पूछ लेना भाई, सर आपने यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दी, क्या मास्टर कर सकता है मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट बस मैं सीधा क्वेश्चन, क्योंकि हाथों हाथ क्वेश्चन बन रहे भाई, डेटा कुछ भी ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरे को इस तरह का क्वेश्चन करवाना है, तो मैं डेटा कुछ भी ले लूंगा, है ना, रेंडमली कुछ भी ले लूंगा मैं, कभी कभी अपन स्क्वायर रूट में नेगेटिव में भी फंस जाएंगे नहीं फंसेंगे, बाय चांस फंस गए तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक दिख जाएगी, अगर एग्जैक्ट आंसर आ गया मतलब 99% चांसेस एकदम सही है। अरे भाई क्लियर, अरे समझ में आया ना, एच बस कैलकुलेशन देख लो यहाँ पर, फाइव फाइव टी माइनस टू का स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू फोर टी टी बीस दिख दिख पच्चीस अस्सी उधर गया सौ हो गया बीस हो गया पाँच आ गया पच्चीस हो गया आ गया, तो ऐसे बोलो चल जल्दी लिख जल्दी लिख, अगर आप पढ़ाओ करते हैं फिर अपन बढ़िया एक और शानदार क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, जल्दी लिखो जल्दी लिखो लिख भाई लिख 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 लिख, देख एक और कराता हूँ मैं, देख अब कैचिंग कैचिंग खेलते हैं अपन, कैचिंग कैचिंग खेलते हैं, कैच कैच खेले, देख क्वेश्चन क्या है, बढ़िया अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन रिलेटिव में भी मिलेगा आपको, रिलेटिव में भी देखेंगे अपन, फिलहाल यहाँ देखो आप,
सपोज मेरे पास एक टावर है, ये मेरे पास ग्राउंड हो गया और यहाँ पर एक ये लेवल हो गया। एक बॉल यहाँ पर है, बॉल ए है, जिसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। ड्रॉप कर रहा हूँ मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, ज़ीरो। दूसरी बॉल बी है, उसको किसी इनिशियल स्पीड से फेंक रहा हूँ। क्या बोला, इफ बॉल बी कैन रीच अप टू मैक्सिमम, कितना लेवल है, 20 मीटर हाइट है ना। बी को आपने एक इनिशियल स्पीड से फेंका तो ये मैक्सिमम कितना 20 मीटर हाइट तक अगर जा सकती हो ये वाली बॉल, तो फाइंड करना है तो व्हेन एंड वेयर बोथ विल मीट है ना। हालांकि रिलेटिव से बहुत इजी हो जाता है, लेकिन अपने को हर चीज का फील आना चाहिए है ना। रिलेटिव में करेंगे अपन बहुत अच्छा हो जाए। अरे यार गले में क्या हो गया, कर कर इसको कर यार, सोच। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते भावुक हो जाता हूँ यार, चिल्लाने लग जाता हूँ, फिर गला खराब होता है, ऐसा लगता है कोरोना कोरोना, पता नहीं क्या बीमारी आ गई। हाँ दुख रहा है, देख क्या होगा। हाँ देखो, अगर ये मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जा सकता है, 20 मीटर तक जा सकता है, मतलब एच मैक्स दिया हुआ है। देख एच मैक्स दिया हुआ है कितना, 20 मीटर। कल अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, यू स्क्वायर अपॉन टू जी। एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं यू से फेंकूँ तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है, वो यू स्क्वायर अपॉन टू जी की वैल्यू कितनी दे रही है, 20। तो देखो यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये भी 20 है, 20 20 का स्क्वायर, 20 × 20। तो यहाँ से यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, ये भी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो यू कितना आ गया मेरे पास, 20। ये चीज़ क्लियर है अपने को। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, व्हेन एंड वेयर। भाई व्हेन एंड वेयर खेलना है तो सिंपल आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा कुछ। मैं बोलता हूँ भाई यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर सपोज ये मिलेंगे, तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर मिलेंगे, टोटल हाइट मेरे पास कितनी अगर एच है, टोटल हाइट मेरे पास अगर कितनी एच है, तो इधर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास, एच माइनस एक्स कितनी हो जाएगी, एच माइनस एक्स। अब यहां पर देख लो आप कितना होगा, बस अब इसको सॉल्व कर लो आप यहां पर। एच कितना है ये, 20 मीटर ले लो, एक काम करो, तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स। ओ भाई क्लियर, अरे समझ में आ रहा है, एच भी कितना ले, 20 ले लिया मैंने। चल अब मुझे क्या निकालना, व्हेन एंड वेयर, मतलब यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके मिलेगा, तो क्या करो इक्वेशन लगाओ। सबसे पहले देखो, पहले ए ऑब्जेक्ट के लिए इक्वेशन लगाता हूँ, देखो मैं ए ऑब्जेक्ट के लिए, ए ऑब्जेक्ट के लिए ऊपर से जब नीचे आ रहा है, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या बोलती है, एस इक्वल टू यूटी प्लस आरटी स्क्वायर। तो एस क्या नेगेटिव, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूँ। यू यू तो जीरो है, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, 5t स्क्वायर। एक इक्वेशन ये हो गई, क्लियर। दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन क्या है, यहां से देखो दूसरी इक्वेशन देखो क्या है, इसके लिए बनाओ। अब सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए बनाओ, यहां से ऊपर फेंक रहे हो आप, यहां से ऊपर फेंक रहे हो, कितना डिस्प्लेसमेंट है। सेकंड इक्वेशन बी के लिए लिख रहा हूं मैं, देखो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है अब। तो 20 माइनस एक्स इक्वल्स टू यू टी, यू कितना आया था, 20, टी उतना ही, क्योंकि दोनों को टाइम तो सेम लगेगा यहां से यहां आने में और यहां से यहां आने में, तभी तो मिलेंगे दोनों। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 20 माइनस एक्स इक्वल्स टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, x देख कितना हो जाए, अरे यार गला क्यों दुख रहा है भाई, 20t माइनस x, x से x कैंसिल हो गया, देख मजा आ गया भाई। तो t इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 सेकेंड टाइम आ गया। तो एक सेकंड के बाद मिलेंगे, एक सेकंड बाद मिलेंगे, और कितने डिस्टेंस पे जाके मिलेंगे, 5 इंटू
वन का स्क्वायर कितना हो गया 5 मीटर पे जाके मिल जाएंगे दोनों, है ना, ऊपर से 5 मीटर जाने पर डिस्टेंस ट्रेवल करने पर वो मिलेंगे, राइट। जल्दी से लिख लो उसको, लिख लिया। चलो देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट लिखो सक्सेसिव ड्रॉप प्रॉब्लम, सक्सेसिव ड्रॉप प्रॉब्लम हेडिंग डाल दो, सक्सेसिव ड्रॉप प्रॉब्लम। जैसे वाटर ड्रॉप या वाटर ड्रॉप प्रॉब्लम लिख दो आप, इसको इस तरह कैसे कर दो, वाटर ड्रॉप प्रॉब्लम लिख दो, वाटर ड्रॉप प्रॉब्लम है ना, ये सब एक जैसी प्रॉब्लम ही होती है। वाटर ड्रॉप प्रॉब्लम बोलो, वाटर ड्रॉप बोलो, या कंसेक्यूटिव बॉल्स को ऊपर से आप फेंक रहे हो तो कंसेक्यूटिव ड्रॉप प्रॉब्लम्स लिख दो आप, नहीं एक सारी एक ही बात है, उनका सेम तरीका होता है। कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव ड्रॉप प्रॉब्लम लिख दो ऑब्लिक करके, बहुत सारे नाम हो सकते हैं सक्सेसिव ड्रॉप प्रॉब्लम। देखो इसके अंदर एक चीज ध्यान रखेंगे, देखो एक तो मैं एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूं या एक एक करके मैं ऑब्जेक्ट को फेंकता रहूं, इन दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लगता है, समझ में आया क्या बोल रहा हूं। या तो मैं एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दूं या मैं बार बार ड्रॉप कर रहा हूं बहुत सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इन दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो देख कॉन्सेप्ट क्या है, आपके पास दो तरह की प्रॉब्लम होती है, आपके पास दो तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो तो आपको क्वेश्चन दो तरह के क्या पूछे जाते हैं, आपको पूछा जाता है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टाइम इंटरवल फॉर विच ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस। क्या बोला मैं, फर्स्ट प्रॉब्लम, इसमें फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि रेशियो ऑफ टाइम फॉर इक्वल डिस्टेंस, रेशियो ऑफ टाइम फॉर इक्वल डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया u इक्वल्स टू जीरो, ये सपोज ऑब्जेक्ट यहां पर कुछ टाइम के बाद यहां पहुंचा, फिर कुछ टाइम के बाद यहां पहुंचा, ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में कुछ टाइम लगा होगा उसको मैं बोल रहा हूं t1, फिर यहां से यहां तक आने में टाइम लगा होगा उसको मैंने बोल दिया t2, और सपोज ऑब्जेक्ट यहां कहीं आ गया कुछ टाइम के बाद और यहां से यहां तक आने में टाइम लगा उसको मैंने बोल दिया t3। रेशियो ऑफ टाइम फॉर इक्वल डिस्टेंस मतलब, इक्वल डिस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट यहां से जब यहां पर आया तो डिस्टेंस s है, यहां से जब यहां पर पहुंचा तो डिस्टेंस s है, और यहां से यहां पर जो पहुंचा तो भी डिस्टेंस कितना है s है ना, इक्वल डिस्टेंस, समझ में आ रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस, फॉर द इक्वल डिस्टेंसेज यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, ये मुझे मालूम करना है। देख क्या होगा, सिंपल टाइम निकालना है मुझे फर्स्ट, इसके लिए टाइम देखो क्या होगा, इसके लिए टाइम का फॉर्मूला क्या बोला मैंने, √2h/g। अभी याद आ रहा है टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या, h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, √2h/g, तो t1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √2s, h की जगह कितना हो गया s, इसकी बात कर रहा हूं ना मैं, 2s/g, राइट। इस तरीके से ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक आने में, ये सक्सेसिव ड्रॉप भी हो सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट फेंक दिया, ठीक है, सपोज ये मेरे पास पहला ऑब्जेक्ट है तो ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये फोर्थ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट भी होंगे तो भी सेम कंडीशन ही आएगी, तो भी सेम तरीके से करना है, समझ में आ रहा है। सक्सेसिव ड्रॉप हो गया या एक को आप अलग अलग टाइम इंटरवल पे ऑब्जर्व कर रहे हो, दोनों प्रॉब्लम सेम तरीके से डील की जाती है। t1, अब देखो सपोज मैं t1 + t2 लिखना चाहूं, देख t1 + t2 कैसे लिखोगे, इस टोटल टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, s + s 2s, तो ये कितना होगा √2h, h कितना हो गया 2s/, अरे समझ में आ रहा है, √2h/g, h कितना 2s, ये हो गया मेरे पास। तो देखो t2 कितना आ जाएगा, मुझे t1 = t2 = t3 निकालना है, यही पूछा ना मैंने, क्या है रेशियो ऑफ टाइम फॉर इक्वल डिस्टेंस, तो मुझे t1 = t2 = t3 एंड सो ऑन, इस तरह से निकालना है। तो देख t2 कितना आ जाएगा, तो t2 हो जाएगा √2 2s/g −√2s/g, अरे भाई क्लियर, t1 उधर आ गया। इसी तरीके से t1 + t2 + t3 लिख सकता हूं मैं, देखो t1 + t2, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आया हुआ, इसको याद कर लेना भलिया, कि एग्जाम में क्वेश्चन जो दोनों प्रॉब्लम करवा रहा हूँ दोनों ही प्रॉब्लम एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है, ठीक है, और एक वाटर ड्रॉप की प्रॉब्लम और करवाऊंगा तो वहां से बाद आपका थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो t1 + t2 + t3 कितना हो जाएगा, s + s + s 3s हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2h/g, और t3 लिखना है तो t3 कितना हो जाएगा, t3 देख लो, t3 होगा t1 + t2 को जोड़ दो, t1 + t2 में क्या होगा, देख लिख लेते हैं, देख क्या हो जाएगा 2 × 3s/g −t1 + t2 कितना है √2 2s/g,
ये देख लो बस यहाँ से अब देखो क्या होगा, यहाँ से देखें अपन कलर चेंज कर लो, बोर हो गए होंगे। देख ये T1 आ गया मेरा, ये T2 आ गया और ये T3 आ गया, तीनों ही रेशियो में कॉमन चीज, कॉमन चीज जो होगी वो बाहर निकल के कट जाएगी, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देख कॉमन चीज क्या है, रूट टू एस अपॉन जी है इसमें, क्या यहाँ पर भी रूट टू एस अपॉन जी कॉमन आ सकता है? या देखो इसको मैं लिख लेता हूँ, टी वन तो हो गया मेरे पास अंडर रूट टू एस अपॉन जी, टी टू देखो कितना है, टी टू में अंडर रूट टू एस अपॉन जी कॉमन ले रहा हूँ मैं, फिर समझ में आ जाएगा। टी टू में टू एस अपॉन जी अंदर क्या बचा, रूट टू, और इधर कितना बचा, ये कॉमन आ चुका है तो माइनस वन। टी थ्री देखो, टी थ्री में भी देखो, टी थ्री ये रहा टू एस अपॉन जी कॉमन, और इधर से भी टू टू एस अपॉन जी कॉमन, टू एस अपॉन जी कॉमन, अंदर क्या बचा देखो रूट थ्री, और इधर क्या बचा रूट टू, रूट थ्री माइनस रूट टू। इसी से मैं एक और टी फोर भी लिख सकता हूँ, टी फोर भी ये आएगा टू एस अपॉन जी कॉमन आएगा, तो बढ़ता जा रहा है। पहले क्या था ब्रैकेट में देखो, यहाँ पर ये क्या आ गया वन माइनस जीरो लिख सकता हूँ इसको मैं, तो वन रूट वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो, फिर एक बढ़ गया देखो वन टू थ्री फोर जीरो वन, ये भी इसको भी रूट बोल सकते हो, वन टू थ्री, ये लो ये से हो जाएगा। तो कुल मिला के रेशो यहाँ पर लिखो आप, तो T1 ये रेशो याद कर लेना, T1 इज टू T2 इज टू T3, ये आ जाएगा वन इज टू रूट टू माइनस वन इज टू रूट थ्री माइनस रूट टू, ठीक है इस तरीके से चलेगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए, इक्वल डिस्टेंस के लिए टाइम का रेशो आ गया मेरे पास, ठीक है। जल्दी से लिख लो उसको, याद कर लेना, रिजल्ट आ रहा है एग्जाम में सीधा कई बार आया हुआ है, इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना भाई, ब्रैकेट लगा दूं। चल उसके बाद देखो रेशियो ऑफ डिस्टेंस, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, फॉर इक्वल टाइम, देख करो इसको भी, इसको भी कराता हूं अभी, देख ये लिख लिया। देख क्या होगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट से याद रख लेना यार भाई, मजा आ जाएगा, क्वेश्चन जिंदगी आसान हो जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी भाई साहब। देख अब जिंदगी और आसान करें अपन, देख अब इक्वल टाइम इंटरवल बोल रहा है, तो देख सिंपल क्या करना है, ये टी 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 कर लूं, टी 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 कर लूं, और इधर क्या आ जाएगा एस वन एस टू एस थ्री, वापस देख वही फॉर्मूला वही लगेगा, पहले वाला टी क्या लिखोगे अंडर रूट 2s अपॉन g, या मैंने आपको ये भी बोला था अगर s लिखना हो तो s का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ई टी स्क्वायर होता है, हाफ जी टी स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था मैंने, है ना थ्योरी के अंदर था, s1 इक्वल्स टू कितना हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। इसके लिए इस यहां से लेके यहां तक के लिए लिखो s2, सॉरी s1 प्लस s2, s1 प्लस s2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हाफ g, और टाइम कितना लगा t प्लस t, 2t स्क्वायर, ए 2t का होल स्क्वायर, तो देखो s2 इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास हाफ g 4t स्क्वायर, और s1 उधर गया मतलब माइनस हाफ g t स्क्वायर, तो ये s2 आ जाएगा मेरे पास कितना हाफ g 3t स्क्वायर, है ना 4 में से 1 गए। इसके बाद देखो आप s1 प्लस s2 प्लस s3, अभी तो अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा तो थ्योरी वाला पोर्शन देखना, अभी क्लियर चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। एक ऑब्जेक्ट को जब आप ड्रॉप करते हो तो टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट अगर एस है, टी टाइम है तो ये रिलेशन यू वैसी जीरो ना, एस इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो जीरो हो गया तो हाफ ए टी स्क्वायर ये हो गया, और तीसरा एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल टाइम कितना लगा है टी प्लस टी थ्री टी, तो कितना हो जाएगा हाफ जी थ्री टी का स्क्वायर, तो देख कितना आ गया, मुझे एस थ्री लिखना है तो एस थ्री कितना हो जाएगा हाफ जी नाइन टी का स्क्वायर माइनस एस वन प्लस एस टू, एस वन प्लस एस टू कितना है माइनस हाफ जी फोर टी का स्क्वायर, तो देख यहाँ से एस थ्री आ जाएगा हाफ नाइन में से फोर गए फाइव हाफ जी फाइव टी स्क्वायर, आगे तीनों इक्वेशन बस काम हो गया भाई। देख हाफ जी टी स्क्वायर एस टू में, अरे सॉरी एस टू ये हो गया मेरे पास और एस थ्री ये हो गया, तीनों में हाफ जी टी स्क्वायर कॉमन है, हाफ जी टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर, तो तीनों का रेशो आ गया मैं वन इज टू थ्री इज टू फाइव,
तो रेशो क्या आ गया हमारे पास, एस वन एस टू एस टू एस टू एस थ्री क्या आ जाएगा, वन इस टू थ्री इस टू फाइव। और ऑड नंबर में जाना है, ऑड नंबर में कैसे लिख सकते हो आप, और टू एन माइनस वन तक, अगर इसको स्टैंडर्ड बनाना हो तो टू एन माइनस वन तक आप रेशो लिख सकते हो आप, क्यों बढ़ रहा है ना। अरे भाई यार लिख लिख इसको लिख, मैं इंक भर देता हूँ यार, पेन थोड़ा चल नहीं रहा है, जल्दी लिख इसको, जल्दी लिख, जल्दी लिख ले भाई, जल्दी लिख ले। फिर क्वेश्चन फिर अभी बस एक वाटर ड्रॉप का मैं प्रॉब्लम करवाता हूँ आपको, मैं बस ख़त्म, फिर उसके बाद आनंद की अनुभूति होगी भाई साहब आपको। देख अब पानी पानी खेले अपन, देख क्वेश्चन देख अब यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन ही था और क्या है, क्वेश्चन ही है। फिर इसके बाद अपन बलून करेंगे और फिर लास्ट में जगलिंग करके जिंगल बेल हो जाएंगे अपन, ठीक है। देख क्वेश्चन क्या है, हाँ प्रश्न संख्या है क्या है, देख मेरे पास क्वेश्चन क्या है, कुछ भी ले लो। देख वाटर ड्रॉप is dropped from, भाई लैंग्वेज में मत जाना यार, समझ भावनाओं को समझ जाना, from 45 मीटर, ठीक है 45 मीटर से ड्रॉप होती है, when first drop touches ग्राउंड, फोर्थ ड्रॉप जस्ट बेगिंस टू ड्रॉप, सब ड्रॉप ही ड्रॉप हो गया, जस्ट बेगिंस टू ड्रॉप। तो आपको मालूम करना है फाइंड पोजीशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप, समझ में आया कि वाटर ड्रॉप इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 45 मीटर, एक मतलब नल, मेरा नल जो लगा हुआ है, अगर मैं नल बनाऊं यहां पर, ठीक है, यहां से वाटर की पहली, मैं बोल रहा हूं पहली जीवन की पहली बूंद, ये कितना हाइट पर है, ये 45 मीटर हाइट पर है, ये बोल रहा है कि फर्स्ट, व्हेन फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड, ये मैं फर्स्ट ड्रॉप को यहां पर टच करा देता हूं, ये फर्स्ट ड्रॉप जब टच करती है तो फोर्थ ड्रॉप जो होती है वो जस्ट इनिशिएट करती है, ये फोर्थ ड्रॉप। तो बताओ सेकंड और थर्ड ड्रॉप कहां होगी, तो सेकंड ड्रॉप तो यहां पर होगी और थर्ड ड्रॉप यहां पर होगी, क्योंकि ये फोर्थ है, समझ में आ रहा है, फोर थर्ड टू वन, इनकी पोजिशन निकालनी है, अरे समझ में आ रहा है। अब यहां पर अगर आप देखोगे, अब देखो इसके अंदर एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि एक रेगुलर इंटरवल में जो वाटर की ड्रॉप्स जो होती है वो रेगुलर इंटरवल में निकलेगी, ऐसा थोड़ी कि पहले निकली फिर थोड़ी देर बाद निकली, एक घंटे बाद निकली, ऐसा तो नहीं, रेगुलर इंटरवल के अंदर ड्रॉप्स निकलेगी। तो हमेशा नहीं लिखा हो तो भी अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो ड्रॉप्स आर मूविंग डाउन इन द रेगुलर टाइम इंटरवल, मतलब मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि दो कंसेक्यूटिव ड्रॉप के बीच का टाइम क्या है, मेरे पास सेम है, टाइम क्या है, सेम है, अरे समझ में आ रहा है, ओ भाई समझ में आ रहा है, मतलब पहली डिस्टेंस, पहली डिस्टेंस अगर s है, ये समझ में आ रहा है, और s1 s2 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 s3, अगर आप ये रेशो देखोगे तो ये रेशो मेरे पास क्या, दोनों का क्या आएगा, मेरे पास इक्वल आएगा, अगर आपको यहां पर ध्यान हो रेशो कितना आएगा, ये s था याद आ रहा है, ये s है तो ये कितना होगा 3s, ये s2 था ना, ओहो अभी किया था अपन ने रेगुलर टाइम इंटरवल के लिए, s1 कितना हो गया s, s2 कितना हो गया 3s, 1 to 3 to 5 है, और S3 कितना हो गया 5S, ये यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है, और टोटल अगर मैं यहां से देखूं टोटल S प्लस 3S प्लस 5S, ये टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 45 दे रखी है, तो यहां से S की वैल्यू निकल के आ जाएगी, समझ में आ रहा है, रेशो से यूज कर लिया अपन ने, रेशो से ही यूज करा अपन ने, तो 5 6 7 8 9 तो ये हो जाएगा 9S इक्वल्स टू 45, तो S की वैल्यू कितनी होगी 5 मीटर, पोजीशन निकाल लो, अब नल से पोजीशन निकालो, कहां से पूछी है, ग्राउंड से पूछा है कि
टैप से पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दे दो ना आप. तो पोजीशन ऑफ, तो पोजीशन ऑफ ड्रॉप कहां से, फ्रॉम टैप. ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूं सेकंड ड्रॉप की. सेकंड ड्रॉप की पोजीशन आएगी कितनी, सेकंड ड्रॉप ये रही, मतलब s प्लस 3s कितनी आएगी, s प्लस 3s कितनी हो गई 4s, मतलब 4 इंटू 5 20 मीटर पर है. सेकंड ड्रॉप कहाँ है अभी, 20 मीटर पर है. थर्ड ड्रॉप देख लो, थर्ड ड्रॉप कितने पर है, अरे समझ में आ रहा है, सेकंड ड्रॉप s1 प्लस s2 मिलाकर सेकंड ड्रॉप बनेगा. और थर्ड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप कहाँ पर है, थर्ड ड्रॉप कहाँ पर है, s प्लस 3s, ए सॉरी थर्ड ड्रॉप आपका सिर्फ s पर है, s पर है. और s की वैल्यू कितनी है 5 मीटर. समझ में आ रहा है, ये ड्रॉप प्रॉब्लम हो गई. क्लियर, जल्दी से लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन. चल काम यार है. हाँ देख, अब क्वेश्चन अपने पास क्या, देख मूविंग फ्रेम वाले क्वेश्चन करते हैं अपन. देख बलून में घुस गए तो कैसे होगा, बलून प्रॉब्लम, मूविंग फ्रेम प्रॉब्लम लिख दो. एक काम करो, मूविंग फ्रेम प्रॉब्लम, लिफ्ट वाली प्रॉब्लम हो गई, बलून वाली प्रॉब्लम हो गई, मूविंग फ्रेम प्रॉब्लम. है ना, इसमें बलून भी हो सकता है, लिफ्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. देख सुन, अभी ये रिजल्ट काम आएगा आपका यहाँ पर. देख कैसे अपन, अब जिंदगी देख कैसे आसान होती है समझना. देख मूविंग फ्रेम प्रॉब्लम मतलब वही लिफ्ट में हो गया, लिफ्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, बलून के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, बलून ऊपर जा रहा था, मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, तो बताओ कितनी, जब वो जमीन पे टकराएगा कितनी स्पीड से टकराएगा, टाइम कितना लगेगा, है ना, उस तरह की प्रॉब्लम. लिफ्ट के अंदर है, एक कॉइन को छोड़ता हूँ तो क्या सिचुएशन होती है, वो सारी प्रॉब्लम. देख क्या होगा समझना, इसको क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ. देख मैं क्वेश्चन ही कराता हूँ सीधा इसका, मेरे को आप देख बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. एक लिफ्ट है समझना, ये लिफ्ट वी स्पीड से ऊपर जा रही है, ठीक है, इसके हाथ में एक कॉइन है, ठीक है, इसके हाथ में कॉइन है, दो बंदे हैं, एक बंदा यहां पर बैठा हुआ है, इसको मैं ए बोल देता हूं, एक बाहर है, ठीक है, ये इसको बोल देता हूं बी. मैं आपको पूछता हूं कि what will be the path of coin as seen by A and B when the coin is dropped. When the coin is dropped, coin को जब drop करोगे तो path कैसा दिखाई देगा वो मेरे को देखना है, ध्यान से देखना. देख सुन, एक चीज समझ रहा है, एक मैं लिफ्ट में खड़ा होकर किसी बंदे को देख रहा हूँ, मेरा पड़ोसी इसको देख रहा हूँ मैं, एक लिफ्ट से बाहर खड़े होकर देख रहा है उसी बंदे को. अगर मैं उस बंदे को देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, वो स्टेशनरी. स्टेशनरी जैसा मैं वैसा हुआ भाई, उसके हाथ में से कुछ चीज गिर गई, जैसी उसको दिख रही थी वैसी मुझे दिखेगी ना, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसके लिए जो है मेरे लिए भी वही है, क्योंकि दोनों क्या है, बिल्कुल साइमल्टेनियसली एक साथ वी स्पीड से ऊपर मूव कर रहे हैं. तो मैं उस ऑब्जेक्ट को देखूंगा स्टेशनरी, उसका हर एक अंग, उसकी बोतल, उसकी गर्लफ्रेंड, सब स्टेशनरी दिखाई देंगे मुझे. उसके हाथ में कॉइन है, सोचना अगर वो कॉइन गिर जाएगा, वो देखेगा अरे नीचे गिर गया, मैं देखूंगा अरे नीचे गिर गया, सबको वैसे ही नजर आएगा, सबको वैसे नजर आएगा. तो देख क्या होगा, तो ए जब देखेगा, ए जब देखेगा तो कॉइन का पाथ, ए के रिस्पेक्ट में देखता हूं, विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए फॉर एप्पल क्या होगा, तो कॉइन जो होगा वो बिल्कुल नीचे आता हुआ दिखाई देगा, और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जी के बराबर. इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, बिल्कुल रिलीज होने के बाद में, ये चीज कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में घुसेड लेना. सपोज मेरे पास, चलो ये लिफ्ट अगर एक्सेलरेट भी कर, वी रहने दो, छोड़ो यार अभी कंफ्यूज हो जाओगे, सब मिक्स हो जाएगा. और अभी और आगे अपन देखेंगे. क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे ऑब्जेक्ट ने हाथ अपने से छोड़ दिया, उस पर लिफ्ट का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, समझो.
जैसे रिलीज करा, बस रिलीज करते समय उसका प्रभाव होगा, रिलीज करते समय उसका प्रभाव बाकी नहीं होगा। अब लिफ्ट में बैठ के देख रहा हूं मैं, तो कॉइन ये जैसे कॉइन को देखेगा वैसे ही ए भी उसको देखेगा, तो बिल्कुल नीचे देखेगा, तो स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट स्ट्रेट डाउनफॉल होगा। स्ट्रेट क्या होगा? डाउनफॉल होगा। और ए से देखने पर इसकी स्पीड ये कितना होगा? बिल्कुल यहां से रिलीज होगा, तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। ए से देखने पर इनिशियल स्पीड में मत जाओ, एक काम करो छोड़ो, एक काम करो छोड़ो, अभी मत जाओ वहां पर, पाथ पे अपन पाथ पे जा रहे हैं, ठीक है। इस पर आगे अपन और चर्चा करेंगे, जब रिलेटिव में आऊंगा तब और फोड़ेंगे शानदार लिफ्ट को। अब देख, अब विद रिस्पेक्ट टू बी, ये रिलेटिव में भी बात करूंगा मैं, लेकिन यहां पर क्या है, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहां आपको बताना चाह रहा हूं। अब देखो बी, अब सोचना, ये मेरे पास कॉइन है, सुनना, ये बी बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, ये बी बाहर है। अब सोचना, बी जब इस कॉइन, ये कॉइन जैसे गिरेगा, कॉइन जब गिरा, एक सोचो, ये पूरा सिस्टम क्या वी से ऊपर जा रहा है क्या? ये पूरा सिस्टम वी से ऊपर जा रहा है क्या? ये जो गंजा है ये भी वी से ऊपर जा रहा है, ये कॉइन भी वी से ऊपर जा रहा है, इसको ऐसा दिखेगा क्या? हर पॉइंट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे रिलीज करूंगा मैं कॉइन को, जैसे रिलीज करूंगा, तो एट द टाइम ऑफ रिलीज कॉइन इसको एक्चुअल में कितनी स्पीड से जाता हुआ दिखाई दे रहा था? वी से। यहां पर ए को, यहां पर अगर आप देखोगे ए को, ये कॉइन कितने कितने से जाता हुआ दिखाई दे रहा था भाई? कॉन्स्टेंट, क्या कहते हैं, रेस्ट पे था, ठीक है, रेस्ट पे था, लेकिन यहां पर क्या होगा? वी से जाता हुआ दिखाई देगा। और जैसे रिलीज करोगे तो क्या होगा? कॉइन एकदम ऊपर की तरफ जाएगा। इसको कैसे दिखेगा कॉइन, इसका मोशन कैसा दिखेगा? कॉइन ऊपर जाता हुआ है ना, ऊपर जाएगा कितने से? वी स्पीड से। लेकिन जैसे रिलीज करोगे उसके ऊपर रिटार्डेशन लगना होगा जी का, तो उसकी वजह से कॉइन ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, ऐसा दिखाई देगा बी को। और एक्चुअल ऐसा होता है, एक्चुअल ऐसा होता है, हालांकि कॉइन बहुत भारी होता है तो फट से नीचे, बाहर वाला भी देखेगा उसको फट से नीचे दिखाई देगा, बट ध्यान से देखोगे अगर एक लाइट ऑब्जेक्ट लो, जैसे रिलीज करोगे तो ऊपर जाके नीचे आता हुआ दिखाई देगा, ये एक्चुअल मोशन होता है एज ऑब्जर्व बाय बी। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है, क्लियर ये? तो इसकी, इस वाली प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हो? अगर आपको क्वेश्चन में दे दे, सपोज आपको क्वेश्चन में सपोज दे दिया मैंने एच हाइट, मैं बोल रहा हूं कि भाई टाइम टेकन, अगर बी बी के रिस्पेक्ट में मैं बोलता हूं कि भाई कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द कॉइन टू रीच द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, तो दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो कहां से, बाहर बाहर बैठ के देख सकते हो, एक कहां से, यहां बैठ के देख सकते हो, ये एच हाइट पर है, समझो आप, दोनों तरीके से देख सकते हो। जब यहां पर देखूंगा तो कितना टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना आ जाएगा? अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में देखूंगा, ए अंदर है, रूट टू एच अपॉन जी, रूट टू एच अपॉन जी, यहां पर बैठ के देखोगे यहां पर क्या आएगा, ये वाला फॉर्मूला, यू की जगह क्या हो जाएगा, वी, यू की जगह क्या हो जाएगा, वी, यू की जगह वी, टू जी एच अपॉन जी, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से क्या हो गया, ये अपना क्या हो गया, लिफ्ट वाला क्वेश्चन हो गया, मूविंग फ्रेम, राइट, जल्दी से लिख इसको, उसके बाद एक बलून वाला प्रॉब्लम और करवाता हूं मैं, बलून वाला प्रॉब्लम और करवाता हूं, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में तो पाथ स्ट्रेट है, और इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, बी के रिस्पेक्ट में पाथ क्या होगा, कॉइन ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, क्लियर। चलो लिखो इसको, फिर एक बलून वाला प्रॉब्लम करवाता हूं मैं, देखो आप मस्त, हाँ बलून वाला प्रॉब्लम करवाता हूं, देख एक बलून वाला प्रॉब्लम क्या है भाई, बलून आ जा रहे, बलून कहाँ है, बलून एग्जैक्ट प्रॉब्लम लिखवाता हूँ ताकि थोड़ा सा फील फील तुम फीलों को फील हो जाएगा। देख बलून वाला प्रॉब्लम क्या है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, अ बॉल इज ड्रॉप्ड आफ्टर 5 seconds from a balloon, balloon की स्पेलिंग क्या होती है देख लेना भाई, माफ कर देना, from a balloon accelerating up, ऊपर ही जाएगा भाई, नीचे कहाँ जाएगा, balloon accelerating with 5 meter
per second square. Then find time taken by ball to reach ground. Also find speed of strike. स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग है ना, किस स्पीड से बॉल स्ट्राइक करेगी वो भी निकालना है, समझ में आ रहा है? आफ्टर 5 सेकेंड. देखो देख क्या दे रखा है, बलून दे रखा है, समझना क्वेश्चन को समझना. ई साला बलून, सपोज टी इक्वल्स टू जीरो पे था, क्वेश्चन समझना क्वेश्चन ना. देख ई बलून, ये टी इक्वल्स टू जीरो पे था, जब स्टार्ट नहीं होगा स्पीड उसकी जीरो होगी, ठीक है. अब ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक तो एक चीज हमेशा कंफ्यूजन होता है कि भाई इफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तब जी का है, उस समय कोई जी भी कुछ नहीं है, वो नेट एक्सेलरेशन दिया हुआ होता है कि बलून इज एक्सेलरेटिंग विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स इट्स ओनली एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर इसका फ्यूल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया इसका, तब उसका एक्सेलरेशन क्या है, तब उसका एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी, फिर 5 नहीं होगा. समझो एक रॉकेट जा रहा है, रॉकेट ऊपर लॉन्च हुआ, ठीक है, रॉकेट को मैंने लॉन्च किया, बिल्कुल वो कितने से 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करके जा रहा है, शू फ्यूल खत्म हो गया. जब जब तक फ्यूल है उसके पास में, तब उसका एक्सेलरेशन कितना, कितना बोला था मैंने, 1000, जो भी बोला देख लेना यार, 1000 नहीं बोला, 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा होगा. लेकिन जैसे ही फ्यूल खत्म हुआ, द मोमेंट फ्यूल इज ओवर, उसके बाद में जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी के बराबर होगा. क्योंकि इंटरनल कोई भी मशीनरी काम नहीं कर रही होगी, एक लिफ्ट की बात करता हूं, अ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मींस उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विद 5 मीटर पर सेकंड कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा. अ लिफ्ट इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन, मतलब लिफ्ट ऊपर तो जा रही है लेकिन उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, रिटार्डिंग है, रिटार्डेशन है, 5 का रिटार्डेशन है, मतलब एक ही डायरेक्शन क्या आ गई, डाउनवर्ड्स आ गई, और ऊपर वो एक्सेलरेट कर ऊपर जा रही थी, रिटार्डेशन वर्ड लेते ही एक डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया. मैंने ये बताया ना आपको, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन ले लो तो वो रिटार्डेशन होता है. अब सपोज मैं बोलता हूँ कि लिफ्ट एकदम काट दिया मैंने, धागा काट दिया लिफ्ट का, आगे पढ़ेंगे अपन ये चीजें बहुत सारी आएगी, जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे चीजें बहुत सारी वहां पर डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है. चलो अब देख यहां पर, तो ये ए से एक्सेलरेट कर रहा है, अभी बोल रहा है 5 सेकंड के बाद, सपोज टी इक्वल्स टू 0, मैं बोल रहा हूं 5 सेकंड, ये रहे, ये लेवल मेरा टी इक्वल्स टू 0 है, ये टी इक्वल्स टू 5 है. यहां पर क्या करा इसने, इस बलून ने, साला बलून कहीं का, इसने एक बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है, बॉल को ड्रॉप किया. तो जब बॉल को ड्रॉप करेगा, अब समझना इसको, इस क्वेश्चन में समझने वाली बात, देख सीधा देख, सीधा फंडा लगूंगा मैं, समझना. जब बॉल को ड्रॉप करोगे, आप यहां पर खड़े हो, आप इसको देख रहे होंगे, बॉल आपको कहां जाती हुई दिखाई देगी, आप जैसे ही ड्रॉप करोगे तो इस बलून की जो स्पीड इस वक्त थी उतनी स्पीड इसको मिलेगी, उसको मैं बोल देता हूं यू, वो कितनी होगी, इसको आप बोल दो वी बोल दो भले, और ये बॉल जो होगी क्या होगी, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगी, फिर क्या होगा, जी की वजह से रिटार्डेशन होगा और फाइनली नीचे आके गिरेगी, इस तरह का मोशन होगा इस बॉल का, समझे आप. हालांकि ये वाला जो होता है ये डिपेंड करेगा कितनी स्पीड से बलून जा रहा है, अगर 10 की स्पीड से जा रहा है बलून तो 1 सेकंड के बाद में स्पीड जीरो हो जाएगी, समझो क्या बोल रहा हूँ, 10 से जा रहा है, रिटार्डेशन 10 का, 1 सेकंड के बाद स्पीड जीरो, तो 1 सेकंड तक ऊपर जाएगा, और 1 सेकंड होता है कितना, बहुत कम होता है, तो अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, बस इतना सा डिफरेंस होता है. अगर ये 1000 मीटर पर सेकंड से जा रहा होता बलून, तो सोचो 10 का रिटार्डेशन मतलब 100 सेकंड तक तो बॉल ऊपर ही जाती, फिर नीचे आती, अभी जो कॉइन वाला एग्जांपल बताया था वही सेम. तो इसका ठीक है, अब ये स्पीड, अब मुझे वी चाहिए, देखो वी कितना होगा, तो वी कितना होगा, यू प्लस ए टी, यू तो कितना है जीरो, और ए कितना है, 5 से ऊपर जा रहा है, 5, और 5 सेकंड के बाद में तो कितनी हो गई, 25 मीटर पर सेकंड हो गई स्पीड, ठीक है. अब इसका फॉर्मूला वही यूज कर सकते हो, इसने क्या पूछा है, फाइंड आउट
द टाइम टू रीच द ग्राउंड, देखो ऐसा वाला मोशन, इसको ऐसे मैं ले सकता हूँ, ऐसा लग रहा है, फील आ रहा है कुछ कि एच हाइट से, समझो इसमें फील कैसा है कि एच हाइट से सपोज मैंने एक बॉल को क्या करा, ऊपर की तरफ फेंका है, कुछ ऐसा ही फील है ये। बस ये एच निकाल लो, ये एच कितना होगा, देखो एच कितना होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एच कितना होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उधर निकाल लो क्या, ये एच होगा, देख एच निकालता हूँ, एच कितना होगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट फॉर्मुला ये वाला यूज करूंगा, ये वाला फॉर्मुला वही है कि एक ऑब्जेक्ट को यू एच हाइट से यू स्पीड से ऊपर फेंका तो कितने टाइम बाद वो स्ट्राइक करेगा, ये डायरेक्ट फॉर्मुला टी अपने क्या हो गया, तो एच इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन यू टी प्लस आधा ए टी स्क्वायर, तो देख कितना हो गया, तो एच आ जाएगा मेरे पास यू, यू कितना है, यू जीरो था मेरे पास, प्लस वन बाई टू एक्सेलरेशन कितना हो गया 10 और 5 सेकंड मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया, 5 पंजे एक्सेलरेशन 5 का है, सॉरी है ना एक्सेलरेशन तो हाँ 5 है ना, ये जी मतलब लेना यार, जी टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर लिखा था अपन ने, तो ये कितना हो गया 125 बटा दो, ये हो गया एच, बस फॉर्मूला लगाओ टाइम टू रीच द ग्राउंड, तो टी इक्वल्स टू कितना हो गया, वाला फॉर्मूला यू, यू कितना है, यू कौन सा लोगे, ये U मतलब h हाइट पर जिस स्पीड से फेंका था, तो ये हो जाएगा मेरे पास U कितना होगा 25, तो 25 प्लस अंडर रूट 25 का स्क्वायर 625 प्लस 2 g, g कितना है 10, h, h कितना है 125 बटा 2 होल डिवाइडेड बाय g, g मतलब 10, तो कितना हो गया टाइम की वैल्यू आ गई मेरे पास 25 प्लस अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल, ये 1250 कितना है, ये 1250 और 600 1850 और 25 1875 डिवाइडेड बाय 10, भाई कितना हो गया भाई साहब, बहुत बड़ा भयंकर हो गया ये, एक काम कर थोड़ा और सिंपल करूँ इसको मैं, देख कैलकुलेशन आसान, जिंदगी आसान करनी पड़ेगी ना, देख 25 कॉमन ले ले बाहर, 25 25 625 होता है ना 25, और इधर से 25 कॉमन लिया तो ये 50, हेलो 25 125 होता है ना 50 इन डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ से मेरे पास अब यहाँ पर कर लो 25 कॉमन आएगा, तो 1 प्लस अंडर रूट 75 डिवाइडेड बाय 10, सही 50 और 25 75 25 कॉमन आ गया है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2.5 और 1 प्लस ये 75 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8 64 8.5 कुछ लिख लो, तो 9.5 × 2.5, अरे कर ले इसको यार, ये क्या हो गया टाइम हो गया, और ये सेकंड्स के अंदर मेरे पास टाइम आ जाएगा, क्लियर टाइम आ गया, इसने क्या बोला फिर स्पीड, स्पीड कितनी स्पीड से टकराएगा, स्ट्राइकिंग स्पीड, स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग, ये जो होता है ये स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग होता है, मतलब यू स्क्वायर प्लस टू जी एच स्पीड का फॉर्मूला है ना, स्पीड विद विच इट स्ट्राइक्स कितना अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh कितना हो गया, u u तो हो गया मेरे पास 25 का स्क्वायर, ये u कौन सा, ये वाला, इसको मिक्स मत कर देना, 25 का स्क्वायर प्लस 2g 10h 125 ये चीज लिख रहा हूँ बटा 2 2 2 कैंसिल 650 1875 हो गया भाई, ये रूट 1875, अरे भाई समझ में आ रहा है 1875 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से लिखो, बस लास्ट अब जगलिंग प्रॉब्लम और करते हैं अपन, बस खत्म, फिर लिख लिया, चलो अगर बस लास्ट आज की लास्ट प्रॉब्लम करते हैं अपन, जगलिंग प्रॉब्लम डाल दो, जगलिंग जगल्स, वो जोकर नहीं करता है, ऑब्जेक्ट को उछालता है, एक एक करके चार पांच बोटल्स उछालते हो आप, देखा होगा बाहर के अंदर गए हो, पीने वीने गए हो तुम लोग यार सर पीने की बात मत करो यार, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, अबे धार्मिक लोगों साला पिक्चर में दारू देख लेते हो तुम लोग, नाम ले लो तो बुरा मान जाते हो, पिक्चरों में क्या क्या होता है सब देख के आते हो, वहाँ मजे ले लेते हो, हाँ सब जगह मजे लो भाई, ये भी एक पिक्चर है, देख प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन करो तो सीधा एग्जाम में आया हुआ, बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, कई बार आपका IIT ले लो, आपका JEE मेंस ले लो, आपका IEEE ले लो, आपका एम्स ले लो, आपका नीट ले लो, CPMT जो हुआ करता था वो ले लो, सब में ये प्रॉब्लम रिपीट हुआ है, बहुत स्ट्रेट प्रॉब्लम सीधा सब में प्रॉब्लम रिपीट हुआ है, देख क्या है, यू का पूरा स्ट्रेट पूरा प्रॉब्लम लिखवा रहा हूँ मैं आपको, यू का आपका प्रॉब्लम लिखवा रहा हूँ, देखो क्या है कि अ जगलर, प्रॉब्लम क्या है कि अ जगलर
जगलर, अभी समझा रहा हूँ, प्रॉब्लम लिख लो पहले, जगलर जगल्स फाइव बोल्स, फोर बोल्स कर दें यार, छोड़ ज्यादा फाइव में ज्यादा डेटा हो जाएगा, जगल्स फाइव बोल्स इन अ रो सच दैट ईच बोल इज थ्रोन, राइटिंग बहुत माशाल्लाह है भाई, ज्ञान पे जाना. नीले गगन के तले, राइटिंग अच्छी करा दो, ठीक है, बोल इज थ्रोन विद 20 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड पोजीशन ऑफ अदर बोल्स व्हेन वन बोल इज जस्ट टू लीव इट्स हैंड. देख प्रश्न समझो क्या है, पहले जगलिंग का मतलब क्या वो समझिए, देखो ये सर ये समझ आ रहा ना, ये ऐसे इसको फेंका, दूसरा आ ही नहीं रहा भाई, मतलब इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, ये देखो जगलिंग, दिस इज जगलिंग, ये देखो दिख रहा है आपको, मैं जगलिंग कर रहा हूँ, वाह, ठीक है, ये जगलिंग, तो मैं चार आई एम अ जगलर, दिस वाज जगलिंग, और ये बॉल्स है सपोज, इनको मैं फेंक रहा हूँ, समझना, चार बोल की बात हो रही है, ये एक रो में, एक दो तीन चार बोल फेंकी मैंने, अब ये क्या बोल रहा है, सच दैट ईच बोल इज थ्रोन विद 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो हर बोल को, क्या पूछ रहा है, फाइंड पोजीशन ऑफ अदर बोल्स व्हेन वन बोल इज जस्ट इन इट्स हैंड, समझ में आ रहा, मतलब चार बोले, एक बोल को फेंकूंगा, बाकी तीन बोल हवा में होंगी, तो उस समय तीन जो हवा में बोल्स हैं उनकी पोजीशन क्या होगी वो मुझे मालूम करनी है. इस प्रॉब्लम के अंदर सिंपल इसको अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, जब आप एक बोल को फेंक रहे हो, जब तक वो अपने हाथ में लौट के वापस नहीं आ जाए, तब तक बाकी तीन जो बोल है उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर हवा में होनी चाहिए. क्या बोल दिया सर आपने यार, मजाक कर रहे हो, वापस सुन क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब एक बोल को फेंकोगे वो जब तक वापस अपने हाथ में लौट के नहीं आ जाए, तब तक बाकी तीन बोल को भी रवाना कर देना है आपको, एक फेंकी वो जब तक लौट गया तब तक बाकी तीन को फेंक दो आप, तो ये फंडा होगा. अब बोल गई और वापस अपने हाथ में लौट के आ जाए, उसको अपन क्या बोलते, टाइम ऑफ फ्लाइट, रूट टू यू बाई जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट. अब ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा इसको क्या करो, सारी बोल्स में डिवाइड कर दो, क्योंकि इसी टाइम को तो सारी चारों की चारों बोलों को मिलाकर यूज करना है. ठीक है, तो हर बोल के पास में कितना टाइम है हवा में घूमने के लिए, वो उसका टाइम आ जाएगा, तो उतने टाइम में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा अपने पास में, हाइट आ जाएगी उसकी. देख समझ क्या बोला मैंने, तो यहां से मैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिख सकता हूं, है ना, ये सपोज ये बॉल है, अपन ने बॉल फेंक दी, एक लाइन में ही है ना ये, समझाने के लिए. ठीक है, ये सपोज फोर्थ बॉल आपके हाथ में है, तो ये मैंने, ये कौन सी बॉल होगी, ये फर्स्ट बॉल वापस आने वाली होगी, अगर ये फोर्थ बॉल है तो ये फर्स्ट बॉल रही होगी, ये सेकंड बॉल रही होगी, और ये थर्ड बॉल रही होगी. ठीक है, ये मेरा लेवल है, यहाँ से मैं सारे डिस्प्लेसमेंट देखूंगा. ठीक है, तो जब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट देखूंगा, यहाँ पर देखो अब, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, एक बॉल को जाके वापस लौटने में लगा टाइम, 2u/g 220/10 कितना हो गया भाई मेरे पास, 4 सेकंड, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया. टाइम फॉर ईच बॉल, हर बॉल को कितना टाइम मिलेगा घूम के आने में, टाइम फॉर ईच बॉल अगर आप देखोगे तो 4 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 4, कितना हो गया टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, नीचे नंबर ऑफ बॉल्स है ना, हर एक के पास कितना आ जाएगा, 1 सेकंड बस. अब देखो थर्ड, अब यहां पर अगर आप देखोगे इसको, जब मैंने फेंका होगा तो ये 1 सेकंड में यहां पहुंची होगी, ये यहां पर पहुंची होगी 2 सेकंड में, और ये घूम के, ये फर्स्ट वाली बॉल तो पूरी ऐसे घूम के आई होगी, तो इसमें पूरा लगा होगा इसको भी कितना, 1 सेकंड, ए इसको कितना टाइम लगा होगा,
3 सेकंड। अरे भाई समझ में आ रहा है ना क्या हो गया? ऐसी होगा ना, यहां से यहां तक पहुंची 1 सेकंड लिया होगा, फिर सेकंड बोल तो भाई 2 सेकंड ले लिए ना सेकंड बोलने, थर्ड बोलने 3 सेकंड ले लिए, और जब फोर्थ वापस आएगी तो टोटल 4 सेकंड पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहले मैं निकालना चाह रहा हूं फर्स्ट बॉल की, थर्ड बॉल की पोजीशन ऑफ थर्ड बॉल। क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, यूटी प्लस हाफ ईटी स्क्वायर कितना हो जाएगा? यू कितना है? 20। थर्ड बॉल कितना है? 1 सेकंड। -1/2 है ना, माइनस जी आएगा तो 10, और टी स्क्वायर कितना है? तो 1 स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास? 20 - 5 कितना हो गया? ये 15 मीटर। उसके बाद में पोजीशन ऑफ सेकंड बॉल देख लो, हालांकि एक लाइन में ही है, थोड़ा सा डेविएट है, एक लाइन में फेंकोगे तो यूं जाएगी, यूं आएगी लाइन से, है ना, एक ही लाइन में फेंक दे तो आप ऐसे ऐसे करके आ जाती है अपने आप वापस लौट के, पर ऊपर जाते हो नीचे आते हो टकरा जाएगी, फिर थोड़ा सा एंगल पे फेंकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं ताकि टकराए नहीं। देख सेकंड बॉल, सेकंड बॉल ने कितना टाइम लिया? डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, सेकंड बॉल 2 सेकंड लिया, तो यूटी यू कितना है? 20। टी कितना है? 2 सेकंड। -1/2 जी कितना है? 10। 2 सेकंड 2 का स्क्वायर, 1 2 से कैंसिल हो गया, तो 40 40 - 20 कितना हो गया? 20 मीटर। उसके बाद में कौन सी बॉल? फर्स्ट बॉल। भाई समझ में आ रहा है ना, ऐसे तो होगा फोर्थ बॉल जब हाथ में है तो फर्स्ट बॉल का क्या हो जाएगा? फर्स्ट बॉल कितने पे? यू तो स्पीड सेम है, 3 सेकंड -1/2 जी और टी स्क्वायर, टाइम कितना 3 का स्क्वायर, 2 × 10 कितना हो गया? 20 या 60 -9 × 45 15 मीटर। सेम क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम के अंदर, 15 रेशो, मतलब तीनों की कंसेक्यूटिव डिस्टेंस पूछी हुई है, तो 15 20 15, समझ में आ रहा है? राइट, जल्दी से लिख लो इसको भी, बस सेशन ओवर करते हैं आज का यहीं पे। ओके देन, सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को आगे देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से और वैल्यूएबल वीडियो अगर आप चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक करके फिर यहाँ से जाएं, ताकि और इसी तरह के वैल्यूएबल शानदार वीडियोस आपको टाइम टू टाइम उसके नोटिफिकेशन मिलते चले जाएंगे। सो दोस्तों फिर हाजिर होता हूँ कल सेम टाइम मॉर्निंग 9 o'clock। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।